आपने मुहावरा सुना होगा, हथेली पर सरसों जमाना या हथेली पर जौ जमाना। कभी आपने अगर ध्यान दिया हो तो कोई व्यक्ति कैसे अपनी हथेली पर सरसों के बीज रखकर उस पर पेड़ को या पौधे को या सैपलिंग्स को उगा सकता है, यानी कि वो अपना हाथ इतना स्थिर रखे, बिल्कुल ना हिलाए ना डुलाए, और उस पर अगर वो मिट्टी डाले और पानी डाले और उसमें सरसों के या जौ के बीज डाले और 7-8-10 दिन तक उनको बिना हिलाए रखे, तो वहाँ पर सरसों जम जाएगी, यानी सरसों में से जो पौधा है, जो अंकुर है, वो निकल के बाहर आ जाएगा, या जो जौ है या जो गेहूँ है उसमें से बीज में से वो पौधा बाहर निकल के आ जाएगा अगर उसको हिलाए ना या डुलाए ना। ये कहावत है उस दुर्गम काम के लिए। कोई व्यक्ति, अगर कोई महिला, कोई अगर स्त्री, कोई पुरुष, कोई नर, कोई नारी अगर कोई ऐसा कार्य करता है, ऐसा काम करता है जो बहुत ज़्यादा दुर्गम हो, दुर्गम का मतलब है दुर्गम में, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कठिनाई से भरा हुआ कार्य है, दुर्गम कार्य है, तो ऐसे कार्य को करने वाले को दुर्गा बोलते हैं या दुर्गो बोलते हैं, जिसने ऐसा कठिन कार्य किया हो। अब ये जो सरसों हाथ पर जमाने वाला या जौ या गेहूं हाथ पर जमाने वाला जो मुहावरा है, ये कब से और कैसे बना है, इसके पीछे एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी और किस्सा कह सकते हैं, और ये बहुत एजुकेशनल है, बहुत शिक्षाप्रद है, बहुत ही शिक्षा का है, यानी कि आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। जो अभी समय गया है, जिसको पितृपक्ष बोलते हैं, यानी पितुपक्ष बोलते हैं, पितु पखवाड़ा, यानी पिता का नरों का जो पखवाड़ा, जिसका मैंने वीडियो आपको दिया था एक, और जो आपने ध्यान से देखा भी है, उसमें जो साधना थी, उन्होंने साध किया, यानी जो श्राद्ध बोलते हैं, साधना की, उस समय वस्सावास में जो भिक्खु हैं वो उनको करा रहे हैं, और सारा जुम्मा जो पितुपक्ष है, यानी कि जो नर पक्ष है, उनका है, उनके खाने का, पीने का, लाने का, जाने का, जो भी भिक्खुओं के लिए या अपने लिए जो भी है बिहार में, वो सब वो लोग कर रहे हैं। वो इस अमावस को, यानी कि जो ये अमावस आई है, इस अमावस को पूरा हो गया, और अमावस के साथ ही पूरा होते ही जो असयुज की अमावस है, यानी कि जो अश्विन की अमावस है, उसको पूरा होते ही अब इस महीने में असयुज में या अश्विन में 15 दिन और रहे हैं, और 15 दिन बाद ही ठीक जो वस्सावास है उसको 3 महीने पूरे हो जाएंगे, यानी सावन, भद्र और अश्विन, और 3 महीने बाद पवारणा का जो समय है, यानी भिक्खुओं को पढ़ाने के जाने के लिए जो समय है, भिक्खुओं का बिहार छोड़कर पढ़ाने के लिए जाने के लिए पूरे दुनिया में जो समय है वो आरंभ हो जाएगा इन 15 दिन के बाद में। तो अब जो महिला है, यानी कि जो महिला का पक्ष है, यानी कि जो नारी का पक्ष है, या जो माता पक्ष है, जो मातु पक्ष है, अब वो सक्रिय हो जाती हैं और वो साधना में लीन होती हैं। साधना में लीन होने का जो क्षेत्र है वो लगभग नेपाल, भूटान और बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, यानी कि वो मगध के आसपास का क्षेत्र है, जो भगवान बुद्ध की कार्य क्षेत्र या कार्य क्षेत्र पूरा पूरा रहा है, यानी वहाँ वर्किंग प्लेस रहा है, और भगवान बुद्ध ने मोस्टली देशनाएं या अधिकतर लोगों ने वहीं सीखा है। जो पद्धति या जो टेक्निक जहाँ डेवलप होती है, लोग जहाँ फ़ायदा इसका उठाते हैं और जहाँ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग होती है, और जैसे जैसे दूरियाँ बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ये वीक और कमज़ोर होती हुई आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि जो मगध के अंदर जो इसको विपस्ना को या साधना को या बुद्ध के टेक्निक को या बुद्ध के सिद्धांत को सीखने में जो रुचि और जो जानकारी रही है वो ईरान के अंदर भी रही, या जो गंधर्व है यानी गंधार है उसके अंदर भी रही, या चीन के अंदर रही, वो बाद में गई हैं, तो वहाँ मेन चीज़ें गई हैं, जो करने की कठिन साधना की हैं वो कठिन साधना की तकनीकें नहीं गई। तो महिलाएँ सारी की सारी इस पक्ष में लगाती हैं, लगभग अमावस के बाद में जो छठी आती है वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं, मोस्टली वहाँ से स्टार्ट होती है, और ये 6 दिन का लगभग होता है कार्यक्रम, 6 दिन तक चलता है, आज की डेट में इसको 9 दिन तक भी चलाते हैं, छठी सातवीं, यानी छठ, सत, अठ और नवीं और षष्ठ जैसे ये दिन हैं, और दसवीं को ये पूरा हो जाता है।
ऐसा करके 6 दिन तक चलता है, मगर आजकल 9 दिन भी खिंचता है, 8 दिन भी खिंचता है, और 10वें दिन दसवीं हो जाती है। 10वें दिन कोई भी साधना नहीं होती, साधना से फ्री हो जाते हैं। तो बेसिकली महिलाएं इतनी कठोर जो साधना करती हैं, इतनी कठोर जो विपश्यना करती हैं, ये उन्हीं के ऊपर है कि अगर उनके हाथ में आप एक मिट्टी का बर्तन रख के और उसके कोई दाने किसी सरसों के या जौ के या गेहूं के डालते हैं तो वो हिलती डुलती नहीं है, और बिल्कुल निर्जला रह के, यानी कि सिर्फ पानी पानी के ऊपर रह के वो ये काम को पूरा कर लेती हैं। ये साधना बड़ी कठिन है जिसको वो करती हैं। इस दुर्गम साधना करने वाली सभी महिलाओं को दुर्गा बोला जाता था पुराने समय में। ये जो साधना है इसको बहुत नामों से जानते हैं, जैसे इसका एक नाम है अकाल बोधन। अकाल बोधन का मतलब है पाली के अंदर अकलंग बोधने या अकलंग बोधेन, यानी कि अकाल माने होता है बोधन, बोधन माने होता है जानकारी, और अकाल जो अकलंग से बना है, अकलंग का मतलब होता है व्याधि और बीमारी। यानी आपके शरीर में, शरीर के अंदर या मन के अंदर जो भी व्याधि और बीमारी हैं उनको जानना, उनका बोध करना विपस्ना की साधना के थ्रू, यानी विपस्ना साधना से, और उनका निवारण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसलिए इसका नाम उस क्षेत्र में अकाल बोधन भी जाना जाता है, अकाल बोधन के नाम से। चूंकि पाली का नाम ये बोलता है इसलिए अकाल बोधन बहुत ही सटीक और बिल्कुल सही नाम इसके लिए रखा गया है, इस पूरे पूरी क्रिया के लिए या इस पूरे पूरे उत्सव के लिए या इस पूरी पूरी टेक्निक के लिए। इसको कुछ जगह पे दुर्गा उत्सव भी बोलते हैं। दुर्गा मतलब बहुत दुर्गम काम है, कठोर काम किया है, तो इसलिए दुर्गा उत्सव भी बोलते हैं। इसको शरद उत्सव भी बोलते हैं। शरद माने यह है कि ऋतु का चेंज होने वाला है और अब ठंड आने वाली है, शरद आने वाली है, तो शरद का उत्सव भी है। और कहीं कहीं इसको पतझड़ उत्सव भी बोलते हैं, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पत्ते गिरने लगते हैं तो इसको पतझड़ का उत्सव भी बोलते हैं। और कहीं कहीं इसको मायरी पूजा भी बोलते हैं। मायरी पूजा का मतलब है जो हम अपने जो वहाँ पे लोग जो साधना में लीन हैं उनकी बात को मानना, उनको सम्मान करना। पूजा का मतलब पाली के अंदर होता है मान सम्मान करना, यानी कि उनको अहमियत देना, उनको ऑनर करना। इस पूरे पूरे 8 दिन कह सकते हैं, 9 दिन कह सकते हैं, और 6 दिन, पुराने 6 दिन हैं, अब 8 दिन हैं और 9 दिन हैं। इन दिनों में एक खास बात ये होती है कि आपको जो वारित नियम है, यानी जो पंचशील के वारित नियम है, पंचशील के नियम है, उनका पालन आपको करना पड़ेगा। अगर आप पंचशील के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप साधना नहीं कर सकते, बेशक चाहे आप कुछ भी करें। पहला नियम इसके अंदर बहुत स्पष्ट है कि आपने हत्या नहीं करनी है, जीवों पर भी करुणा दया करनी है, और मांस नहीं खाना है, क्योंकि हत्या करेंगे तो मांस खाएंगे, इसलिए मांस खाना पूरी तरह से इसमें बंद होता है। नशीले पदार्थ इसमें नहीं ले सकते, नशीले पदार्थों से व्रत रहते हैं, इसलिए पूरा देश जहाँ जहाँ भी ये पद्धति चलती है ना तो वहाँ लोग मांस खाते हैं इन 7-8-9 दिन, 6-7-8-9 दिन, और ना ही शराब पीते हैं, ना ही कोई नशीली चीज़ें करते हैं। आप तामसी खाना नहीं खा सकते, यानी कि ऐसा खाना जो आपकी साधना में आपको उग्र कर दे। आप अगर बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाएंगे तो गर्म खाना आपको विपस्ना में परेशान करेगा, इसलिए बहुत हल्का खाना खाना होता है और जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और तामसी फूड ना के बराबर हो, जो आपको व्यग्र कर दे या उग्र कर दे या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा दे। ऐसे सभी फूड जितने भी खाने हैं वो 7-8-9 दिन, यानी 6-7-8-9 दिन नहीं खाए जाते, 10वें दिन आप खा सकते हैं। इसमें बासी खाना बिल्कुल मना है, क्योंकि बासी खाने के अंदर आलस आता है, बासी खाना जो होता है वो खराब हो जाता है, इसलिए साधना में आपको दिक्कत होगी, डकार आ सकती है, उल्टी आ सकती है, जी मिचला सकता है, इसलिए बासी खाना किसी हालत में नहीं खाते। और संभव हो सके तो फल फ्रूट खाइए, फल फ्रूट के अंदर तामसी गुण नहीं होते, उनमें ठंडे सत्विक गुण होते हैं, यानी जो ठंडे गुण होते हैं, इसलिए आपकी बॉडी शांत रहेगी और विपस्ना साधना तप जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसके नियम बहुत स्पष्ट हैं। सबसे पहले आपको जो सील है, पहला काम है आपको सील पत्ती होना है। सील पत्ती का मतलब ऐसा होना है, पत्ती जो बोलते हैं वो बोलते हैं जो सेना का सिपाही होता है, यानी कि जो सेना के सिपाही हैं आप, अगर उसमें सील नहीं होंगे तो आप साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला दिन जो होता है वो सीलों को पुष्ट करने का होता है, आप अपने सीलों को मजबूत कीजिए। 5 सील होते हैं जिसमें चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, नशे का कोई पदार्थ नहीं पीना है। ये सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं ये नशेर पते में आती हैं, ये काम नहीं करना है। दूसरा जो दिन है उसमें आपको साधना के अंदर
आचरण करना है, यानी जो तप है तप आचरणी बनना है, आपने तपस्या आचरणी बनना है, साधना आचरणी बनना है, विपस्सना आचरणी बनना है, साधना में बैठने में समाधि में आपको लीन होना है, तो दूसरा दिन लगभग उसके लिए चला जाता है। तीसरे दिन से आप लगभग लगभग खाना छोड़ देते हैं और पानी पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप खाना पूरी तरह से छोड़ देते हैं और पानी पे आ जाते हैं, पानी के घटा पे आ जाते हैं, पानी की घटी पे आ जाते हैं, तो आप विपस्सना को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जितना शरीर खाली रहता है लगभग उतनी विपस्सना बहुत अधिक होती है, क्योंकि विपस्सना में एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने आसन के लिए कुश वाला जो आसन है, कुश का मतलब है जो घास वाला आसन है, यानी कि कुश का आसन अगर लेंगे तो वो आपका मान बढ़ाएगा, मानदा हो जाएगा, तो कुश मानदा करके चौथे दिन आसन लगा लेते हैं ताकि आपको कष्ट ना हो और बैठने में साधना ठीक हो। भगवान बुद्ध ने भी जो कुश का आसन है वो कुश का आसन साधना में बनाया था, और कुश के आसन से बैठ के उन्होंने विपस्सना की और वहीं उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान, जो उच्चतम ज्ञान है, वो प्राप्त किया था। पांचवें दिन आपको जो स्कंद का ज्ञान है, स्कंद का मतलब है कि रूप, यानी जो शरीर है हार्डवेयर है, और जो उसका मन है जिसमें संस्कार है यानी संखार है, जिसमें विज्ञान है वियाणा है, जिसके अंदर वेदना है और जिसके अंदर संज्ञा है यानी कि संज्ञा है, ये पांचों के पांचों स्कंद का आपको जानकारी होने लगती है। और छठे सातवें आठवें दिन आपकी विपस्सना पूरी तरह से बहुत अच्छी होने लगती है, और लगभग नौवें दिन यानी आठवें दिन आपने जो गौतम ने जितना भी पढ़ाया है, जो गौतम ज्ञान है, वो सारा सारा गौतम ज्ञान यानी गौतम का ज्ञान आपको लगभग मिल जाता है, और नौवें दिन आप उसको प्राप्त कर लेते हैं, सफलता से सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह से पूरा कोर्स लगभग 8 और 9 दिन के अंदर समाप्त हो जाता है। पहले ये 6-7 दिन देता था, अब ये 8-9 दिन में ख़त्म होता है, और 10वें दिन आप विपस्सना से अलग होके इसका उत्सव मनाते हैं। दशहरा उस दिन होता है, दशहरा के बहुत सारे नाम हैं जो दशहरे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है। इस तरह से ये महिलाओं का जो पक है, यानी कि जो मातु पक है, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये शुक्ल पक्ष, यानी कि चंद्रमा ऊपर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है और ये धीरे 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 दशहरे की तरफ जा रहा है, इस सारे समय में जो भारत की उस क्षेत्र की जितनी भी महिलाएँ हैं, वो अपने मन को और अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए ये साधना करती हैं। ये बहुत ही दुर्गम काम है, क्योंकि आप बिना हिले डुले साधना करें, और बिना हिले डुले अगर आप मन और चित्त को शुद्ध करेंगी तो जल्दी ही 7-8 दिन के अंदर भी हो सकता है। पहले ये 49 डेज के अंदर हुआ करता था, 1 हफ्ते लगते थे, उसके बाद ये पूरा ये सिस्टम बनता था जिसमें भगवान बुद्ध बिहार के अंदर बताते थे, वहीं से ये पद्धति चली आ रही है। लोग आज भी साधना विपस्सना करते हैं, साधना विपस्सना की टेक्निक थोड़ा सा भूल गए हैं। अगर वो साधना विपस्सना की टेक्निक को समझना चाहते हैं तो जो SN गोयनका जी गुरुजी ने जो विपस्सना के जितने सेंटर डेवलप किए हैं, वहाँ ये पुराने समय में जो साधना विपस्सना होती थी बिल्कुल वैसी ही उसी के नियम के अनुसार ही होती है। आप dhamma.org करके जो वेबसाइट है, जो मैंने विपस्सना में कैसे जाएं एक वीडियो उसमें बनाया है, उसमें चेक कर सकते हैं, उसमें सब बताया गया है कि कैसे आप विपस्सना में जा सकते हैं। घर पे साधना होना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि बच्चे शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और आजकल तो गाने, टेप, टीवी, रेडियो, और छोटे छोटे घर हो गए हैं, घिचपिच वाले घर हो गए हैं, गलियाँ छोटी हो गई हैं, इसलिए यहाँ शांति नहीं होती है। अच्छा है कि आप विपस्सना सेंटर जाएं और वहाँ जाके इस 7-8-10 दिन में, जो पुराने समय में महिलाएं हमारी साधना करती थीं, तप करती थीं, साधना करती थीं, मेडिटेशन करती थीं, उस टेक्निक को दोबारा से सीखें। धन्यवाद।